नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कुछ क्वेश्चन आगे से। कल वाले वीडियो में 10% किए थे, आज आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो लोहा तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम चुंबक, जो लोहे और चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो हम सभी जानते हैं चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। दो कौन कौन से, एक एन और एक एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक विजातीय ध्रुव में क्या होता है। चुंबक के जो विजातीय ध्रुव है यानी कि एक N और एक S हो तो उनमें क्या होगा। तो अलग अलग ध्रुव में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से चुंबक के पदार्थ कौन सा है। तो चुंबक के पदार्थ कौन सा है ये पूछ रहा है हमें। तो इसमें हो जाएगा कि इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ पहुंच रहा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4 पित्तल, निकिल, कोबाल्ट और लोहा चुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है, यानी कि छड़ चुंबक को लटका देंगे स्वतंत्र तो वो किस दिशा में रुकेगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो ये की थी ओरस्टेड ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि वह धारा जो बहते समय दिशा परिवर्तित नहीं करती है, एक ही दिशा में बहती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं दिष्ट धारा। तो देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें खैर एक ही दिशा यानी कि जो ये होना चाहिए, दी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और एक कौन सी में है, दिष्ट धारा में एक ही है, ये दी और ये इसका दी, तो इसे याद कर लेना दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धारा जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि मान क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो परिवर्तित के जो प आया इससे हम याद कर लेंगे ये वाला प, तो परिवर्तित किस में हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा में। तो इन दोनों को इस तरह से याद कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे, तो हम उसमें प्रयोग करते हैं नरम लोहे का। तो उत्तर नंबर कितना हो जाएगा, अपने 3 सही हो जाएगा इसका, कि नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फेराडे ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलेगा, तो इसमें यह हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलेगा, तो ये हो जाएगा इसमें यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रूप में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल विकास ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो सोलर सेल, सॉरी यहाँ पर विकास जगह सोर आएगा, तो
इसको सही कर लेना एक बार। तो इसको जो है कि सही कर लेना, विकास की जगह आएगा सौर। तो सोलर सेल जो है कि सौर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो इसमें इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होगा। तो उदासीन तार का रंग जो होगा वो कैसा होगा, इसमें इसमें काला रंग हो जाएगा उदासीन तार का, जबकि हरा रंग जो होगा वो किसका होगा, वो हो जाएगा अर्थ का। हरा रंग किसका हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा। तो ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।